अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम ये टूरिज्म बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जो वन स्टॉप ऑफिस है, जो कॉरपोरेट ऑफिस बन रहा है, और ये आपके सामने घोड़े नज़र आ रहे हैं, फिर ये सारा टूरिज्म बिजनेस डिस्ट्रिक्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे डीलर्स के ऑफिसेज बनाए जा रहे हैं, और पिछली तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पे ये सामने सारा टूरिज्म बिजनेस डिस्ट्रिक्ट TBD2 जो है वो तैयार हो रहा है। और यहाँ पे आप आए तो ये आपका वाटर पार्क तैयार हो रहा है, और ये पीछे जो हमारा BWTC टावर है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लंदन की तरह समझ लें एक जगह है जो तैयार होने जा रही है। और नईम साहब को और बाजवा साहब को और सत्यान साहब आए हैं, इन सबको आज लाने का मकसद ये था कि काम तेज करें, और ये नईम साहब आज आपको टूरिज्म बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएंगे कि ये कितने महीने में तैयार हो जाएगी जगह जो अपनी बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं। वो अभी पोजेशन हमसे ले सकते हैं किस्तों के दौरान ही, और अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। जी नईम भाई, कब तक आप तैयार करवा देंगे सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। सात भाई ने अभी आपको प्रॉपर ब्रीफिंग दी है, बाजवा साहब भी मौजूद है, सत्यन साहब भी, हमारी पूरी मैनेजमेंट की टीम भी साइड पे मौजूद है जी। और इंशाल्लाह जी हमारा जो टारगेट है, हमने 40 डेज के अंदर इस एरिया की शक्ल बदलनी है। जो हमने आज टास्क जो अचीव किया आपस में, जो डिस्कशन हुई है उसके ऊपर, 40 डेज में आपको इंशाल्लाह हम बड़ी चेंजिंग इसके अंदर। अभी माशाल्लाह अगर खड़े हों तो आपको पहले ही पूरा एक शहर नजर आता है, लेकिन अगला हमने जो नया टारगेट लिया है वो इंशाल्लाह 40 डेज में इसको देखिए हम बदल के रख देंगे पूरे एरिया। और जी जो नई प्राइसिंग हमने टूरिज्म बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की इस वक्त दी है, इस अगले महीने के लिए जो उसमें बुकिंग कराता है उसके लिए 10% डिस्काउंट है। जज़ाकअल्लाह खैर जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हम खड़े हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पे, और ये आपको सिर्फ नज़ारा कराने लगा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह के कितना काम पूरे प्रोजेक्ट में हो रहा है। ये आप ये घोड़े देख रहे हैं, यहाँ से इस वक्त Gate 1 नहीं नज़र आ रहा, लेकिन Gate 2 नज़र आ रहा है। और ये पीछे जूम करें तो ये आपको BWC टावर नज़र आ रहा है जो बुर्ज की मानंद बन रहा है। और फिर हम ये यहाँ पे खड़े हैं तो ये आपको स्कूल नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल के बाद ये हमारा कमर्शियल टावर जो है, जो अंदर जनरल ब्लॉक में बन रहा है, वो नज़र आ रहा है। फिर ये कुछ विलाज हैं जो लोग बना रहे हैं, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, अंदर भी घरों की स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं जो मुख्तलिफ जगह पर बन रहे हैं। और ये यहाँ पर आपको सरीन विलाज नज़र आ रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको कॉरपोरेट ऑफिस नज़र आ रहा है। और कॉरपोरेट ऑफिस के बिल्कुल सामने जो जनरल ब्लॉक में हमने अर्ली पोजेशन के लिए एरिया अनाउंस किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा एरिया है जहाँ पे हम आपको पोजेशन और फौरी घर बनाने की भी प्रोविजन दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि उन्हीं सड़कों पर ये गाड़ियाँ पीछे से ट्रैवल करती हुई है, इस वक्त जो हमारा इंजीनियरिंग स्टाफ है उसकी गाड़ियाँ, ये मशीनरी जो लगी हुई है, तो ये मैं समझता हूँ वो गोल्ड है। ये सारा सेक्टर 7 है, ये बाकी एरिया भी क्लियर हो रहा है जिसमें हमने अर्ली पोजेशन अनाउंस किया है। तो ये वो एरिया था जो इनिशियली हमने सेव किया था किसी और प्रोजेक्ट के लिए, प्रीमियम प्रोजेक्ट के लिए, और लोगों की डिमांड देखते हुए कि जी हम घर फौरी बनाना चाहते हैं, तो हमने अपने डेवलप्ड सेक्टर्स जो और प्रोजेक्ट्स के लिए रखे हुए थे वो हमने खोल दिए हैं पब्लिक के लिए कि जी आए यहाँ पोजेशन ले लें, चूँकि आप लोग हैं तो हम हैं, आप आबादकारी करेंगे तो हम आगे चलेंगे। और ये बहुत शुरू में हम ये एक मस्जिद दिखाया करते थे कि यहाँ पे ये एक मस्जिद है, ये मस्जिद इस प्रोजेक्ट का सेंटर पॉइंट है। इससे परे भी उतना ही प्रोजेक्ट अभी अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा है, और हर डायरेक्शन में पड़ा है। जो चौधरी नदीम एजाज साहब और चौधरी नईम एजाज साहब की मेहनतें हैं वो इंशाल्लाह अब रकबे की सूरत में यहाँ पर लोगों को नज़र आ रही है। और मोटरवे के परली तरफ भी एक शहर आबाद होने जा रहा है, DHA के साथ भी हमारे मामला चल रहे हैं, वो आप लोगों से हम वक्तन शेयर करते रहते हैं। तो ये सिर्फ बताने का मकसद था कि ये सामने सेक्टर 5 है, और ये हमारा कॉरपोरेट हेड ऑफिस है जो तकरीबन 3 लाख स्क्वायर फुट का ऑफिस बन रहा है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये सेक्टर 7 है जिसमें हम आप लोगों को अर्ली पोजेशन दे रहे हैं, और सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, इसके बाद ये इस साल के लिए कम अज़ कम ऑप्शन क्लोज हो जाएगी। एंड आई एम श्योर इस सेक्टर में और जगह हम नहीं निकाल पाएंगे, फिर जो अगले सेक्टर्स इधर डेवलप हो रहे हैं उधर इंशाल्लाह आपको जगह देंगे, ओवरसीज ब्लॉक में देंगे, तो आने वाले वक्त में फिर आपको इंशाल्लाह मिलेगी मज़ीद ऑप्शन। तो जज़ाकअल्लाह खैर जी, फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़।